इनका मतलब ये है, हंसों का जोड़ा देखा है तुमने, वहां जाके हंसों का जोड़ा नहीं बताओगे छिपाओगे, इनका मतलब ये, क्योंकि ये हैं सौरानी और अकेले राजा। अगर ये अपनी हार मान के धौरा पे काक बुलाएंगी तो रहेंगी तो महिला नरवर में रहेंगी। आज हंसों का जोड़ा बता दिया तो महाराज जो है 12 साल के लिए नरवर छोड़ के चले जाएंगे। अरे बहुत पिटाई लगाएंगे, रानी का हुक्म ये बात इस बात का। अरे बात और हंस से काक बतिलाना, इधर आओ, और हंस से काक बतिलाना, और मैं जानू चाहिए नालायक कुहार, नौ लाख रुपया को हाँ। अच्छा जाको, आप बैठे बैठे खाओगे, बैठे बैठे कामना करने पर आओ ना, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, नहीं भाई नहीं, मैं नहीं लेंगे ये हाथ। अरे जा हार को मैं क्या करेंगे, बैठे बैठे खाऊंगो सब चूतन में ठेठ पच जाएंगे। मैं तो भैया मेहनत करके खाने वालों आदमी ना, साले तब भी तो झूठ बोलना पड़ेगा, फिर भी झूठ बोलेंगे और क्या, अन्न लेंगे तो और ले लेंगे तो। अरे तो एक काम कर भैया, देख एक काम कर, अरे ना लेगे हार तो झूठ बोलने और ले ले हुए तो झूठ बोलने। एक बात बता, किसी आदमी के झूठ बोलने से प्राण बच रहे हैं तो झूठ बोल जा, और प्राणो बचना भाव जाए मरो झूठ जाओ बोल तो सारे सर्वनाश है जाए। इसमें झूठ बोलने का कोई हमारे तुम्हारे लिए विचार नहीं, हम ऐसे तो कोई बात नहीं, तो मैं झूठ बोल देंगो, तो मैं बोल देंगो ले ले 9 लाख कुहार, ऐसो कर आदो तू ले जा आदो मैं ले जा, आप ले लो अपने हाथों से, तुम ले लेंगे ठीक है रहिया, जाइए कोई बात नहीं, चलो महाराज से कहेंगे चल के, चलो हमें तुम्हें कहा लेने बुड्ढा मरे अच्छा जवान हाथ में हत्या से काम, चलो आ जाओ। महाराज प्रथम, महाराज के जीवन की जय जयकार हो, खुशी रहो, बताइए क्या चीज देखा हुआ, बताओ तू बता, अरे ना अरे मैंने पहले ही कही आदत, अरे ये क्या बात है, तू बता कि तू बता, अरे हम जा कह रहे हैं तू बड़ो भैया है तो तू ही बता दे, अब वो जा कह रहे हो तू छोटो बारो है, मैंने तो आगे कर दो तो तू ही बता दे, ऐसा है तो आप बताओ फिर उसमें क्या बात है, बात कछना है, बात तो ये है घर की मुकदमी करने में ना है, मुकदमे पे घुटन ने उन्हें कर साबित ना रे तू है बाबा, सही है तो आप बताओ, देखिए आप वहाँ गए आपने क्या चीज देखा, क्या चीज देखा, हाँ महाराज बताओ, मैं तो झूठ बोलते ही ना तुम्हें तो मालूम, हाँ तेरी हमें आदत मालूम है, आदमी तू बढ़िया है, हाँ बिल्कुल है, मैं बहुत बढ़िया आदमी हूँ,
देखो मैं तो जलेबी से ज्यादा शुद्ध हूँ। अरे हरे यार, ये हम पहले से बता रहे हैं महाराज। हंस हे हे ना हे ना, फिर क्या काग है? काग है ना, है ना काग है ना है, फिर क्या हंस है? हंस है ना है ना, हंस है और ना है तो इसका मतलब फिर काग है? हाँ काग है ना है ना। अरे यार पहले कहता है काग है, फिर कहता है ना है, ना में सब बात मेरी बिगड़ जाती है महाराज। तुम्हारे समझने में फेर है। अरे हम इतना पढ़े नहीं है, तुम्हारी यहाँ कौन सी यार पढ़ाई है? मैं साफ लफ्जों में आपको बता रहा हूँ और आपके समझ में नहीं आ रही। हमारे समझ में नहीं आएगी। हंस हे ना हे ना। अच्छा हंस हे ना हे तो फिर काग है? हाँ काग है ना है ना। अरे यार किसी बात पर तू आता नहीं, ऐसा कर भैया, ऐसा इतना हम घी नहीं खाते, तू देसी करके हमें समझा दे। देसी जी, कहने का मतलब है आपको हिंदी करके समझा। हाँ हमें ये तेरी पढ़ाई समझ में नहीं आती। हमारी पढ़ाई ना समझ पा। हाँ ना अभी समझ में कोई बात ना महाराज। हाँ बात में नहीं बना हुआ, सागर ताल पे बैठे हमने देखे तो कौआ। बहुत अच्छी बात है। देखिए ये तो हमारे घर की बात है, हमारी और हमारी रानी की जान की बाजू है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको तो नौकरी ही करना है। हमें तो तुम्हारे पहले से कत्ता है। क्या? अरे नौकरी यार, तू कौन दिमाग का आदमी हो चुका है? देखो मैं नौकरी की बात कर रहा हूँ। पहले नौकरी आए उसके बाद में और कोई बात आए? हाँ तो नौकरी की तो कह रहा हूँ। सुनो मंत्री मेरी बात सुनो। हेलो मंत्री,